Do you imagine an India that is purely Hindu? Is there a place for Muslims in India in the future? ये सवाल उन लोगों की समस्या है कि जो हिंदू और हिंदुत्व को जानते नहीं है। अब देखिए, हिंदुत्व की फिलॉसफी क्या है? वो कहता है एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको जानने जताने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। दुनिया में अकेला हिंदू ऐसा कहता है कि गॉड इज वन। कभी हिंदू ये नहीं कहता है मुसलमान का भगवान, ईसाई का भगवान, सिख का भगवान, ये नहीं कहता। वो कहता है गॉड इज वन, और वो कहता है भक्त वैसा भगवान। अगर भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है। जहां पर ये फिलोसॉफी पनपी हो, वहां पर ये सवाल उठने का कारण ये है कि उस हिंदुत्व को हम समझे नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी घटना नहीं है। आप देखिए, इसराइल का एक ऑफिशियल बुक है, इसराइल का ऑफिशियल बुक है, उसने ये कहा है कि कोई ये ना समझे कि हमें सिर्फ जर्मनी में हम पर अत्याचार हुए थे। 2500 साल में हम दुनिया में जहां जहां गए, हर जाति ने हर कहीं किसी मौके पर हम पर जुर्म किया था, कम अधिक मात्रा में। लेकिन अगर कोई दुनिया में अपवाद था, अकेला हिंदुस्तान था जहां पर हमें 2500 साल के इतिहास में कोई कष्ट नहीं हुआ। हिंदुस्तान ऐसा है, जब पारसी हिंदुस्तान में आए तब गुजरात के किनारे पर राजाओं बसते थे, वो जब आए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि हम आए हैं लेकिन हमारा रिलीजियस बिलीफ ये है कि जब जो हम अग्नि लाए हैं उस अग्नि को जब हम रखेंगे तो उसकी 50 किलोमीटर की रेंज में नॉन ईरानी कोई आना नहीं चाहिए। यानी राजा हिंदू, व्यवस्था हिंदू, और उन्होंने मांग एंटी हिंदू की। और यह देश ऐसा है कि यहां के हिंदू ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था करता हूं कि वहां कोई प्रवेश नहीं करेगा और आपकी मान्यताओं का आदर करेगा। और मैं आपको बताता हूं विश्वास के साथ, आज जो दुनिया टेररिज्म के कारण संकट में आई है उसका, और उसमें जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है, मैं नहीं कहता उसमें इमोशनल सपोर्ट है कि नहीं, लेकिन जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है और उसमें रिलीजन का काफी उपयोग हो रहा है, और उसका मूल कारण है होलियर देन थाउ, तेरे संप्रदाय से मेरा संप्रदाय ऊंचा है। ये जब भाव जगता है तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट आतंकवाद तक की सीमाओं चला जाता है। अगर कोई कहता है हिंदू ही है जो सर्वसमावेशक है, जो कहता है आप जिस भगवान को मानते हो विश्वास से मानिए आपको परमात्मा प्राप्त होगा, आप जिस किताब को मानते हो विश्वास से मानिए आपको प्राप्त होगा, ये मूलतः हिंदू फिलोसॉफी है। अगर इसको अगर नहीं समझते हैं और उसके कारण उसको ही क्वेश्चन कर देते हैं तो मैं समझता हूं समस्या पैदा होती है।